हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो मुझे भूल जाओ, हो सके तो दोबारा ऐसा मत करना। इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज होता है, आइए इसके पहले रूल देखते हैं। रूल्स हैं इसके इम्पॉसिबल, फिर सेंटेंस। सेंटेंस के पहले इम्पॉसिबल यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के बाद मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी इफ पॉसिबल। कुछ और सेंटेंस देखते हैं इसके। हो सके तो मुझे भूल जाओ, फॉरगिव मी इफ पॉसिबल। जब भी ऐसे सेंटेंस बोलना हो तो आप इफ का यूज करेंगे। हो सके तो दोबारा ऐसा मत करना, इफ पॉसिबल डू नॉट डू इट अगेन। हो सके तो दोबारा फिर मुलाकात होगी, इफ पॉसिबल वी विल मीट अगेन। मीट का मतलब होता है किसी से मिलना। हो सकता है ऐसा हो, इज दिस पॉसिबल। हो सके तो तुम टाइम से पहुंच जाना, यू कैन रीच ऑन टाइम इफ पॉसिबल। रीच का मतलब होता है पहुंचना। हो सके तो तुम मुझे फोन कर लेना, इफ पॉसिबल यू कॉल मी। कॉल का मतलब होता है किसी को फोन करना।